सो हाय गाइस, मैं हूं चेतन और आप देख रहे हैं सीसी एक्सपेरिमेंट क्लब। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्या क्या फायदे हैं। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना, ये बहुत ही फायदेमंद है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये दिखता कैसे है। तो देखिए, ये है पोटेशियम परमैंगनेट के फ्लेक्स, ये दाने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। तो इसे हम खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट कहाँ मिलता है, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा। ये आपके बहुत ही नज़दीकी में मिलता है, तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं और इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो मैं बताऊंगा कि ये कहाँ पे मिलता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसके फ़ायदे। तो सबसे पहले मैं आपको ये पोटेशियम परमैंगनेट इस पानी के अंदर डाल के दिखाता हूँ। और पोटेशियम परमैंगनेट का जो केमिकल नेम है वो है KMnO4। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है KMnO4। तो यह होता है पोटेशियम परमैंगनेट। और आप देख सकते हैं कि मैंने बस इतना सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला इस पानी में और ये कितना कलरफुल हो गया। फ्रेंड्स, ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है, ये आपके बहुत ही नज़दीक में मिलता है और इससे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे। तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने 2-3 इससे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मैंने जब इसे दूध में डाल के देखा तो बहुत अमेजिंग रिएक्शन हुआ। और हमने जब इस पोटेशियम परमैंगनेट पर ग्लिसरीन डाला ना, तो ये पूरा आग ही पकड़ लिया था इसने। तो हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे इस पोटेशियम परमैंगनेट पर। और ये पोटेशियम परमैंगनेट मार्केट में बहुत ही सस्ता मिलता है। अगर आप इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर ऑनलाइन खरीदते हो ना, तो ये महंगा मिलेगा बहुत। लेकिन आप अगर नज़दीक से खरीदते हो तो आपको 20-30 रुपये में बहुत सारा मिल जाएगा। तो देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो जहरीला होता है, इसलिए जब बहुत ज़्यादा पानी होता है, अगर आप चौल में वगैरह रहते हो तो वहाँ पे पानी साफ नहीं आता है, तो आप पूरे टंकी में थोड़ा सा बस इतने से अमाउंट में अगर पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे ना, तो पानी पूरा साफ हो जाएगा और वो पीने लायक हो जाएगा। उसमें से सारे कीड़े वगैरह सब मर जाएंगे। तो ये है इसका पहला उपयोग। और इसका दूसरा उपयोग ये है कि सपोज आपको इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह, तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा कॉटन ले लीजिए और बिल्कुल थोड़ा सा, इतना इतना आप इस कॉटन को भिगाइए और फिर जहाँ भी इन्फेक्शन है वहाँ पे लगा लीजिए। अगर आपने इसे ज़्यादा भिगाया ना, तो आपको जलन भी हो सकती है। तो आप बिल्कुल थोड़ा सा भिगाना पोटेशियम परमैंगनेट में और जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ है वहाँ आप लगा सकते हैं। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कहाँ मिलता है, तो मैं आपको वीडियो भी बनाऊँगा इसके ऊपर। तो मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।